बल्लेबाजी में शुभमन गिल के शानदार शतक के बाद में गेंदबाजी में मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी की बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत बल्लेबाजी के बाद में गेंदबाजी में पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात ने नेस्तनाबूद किया। तो वहीं पर इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। जी हां दोस्तों, इस मैच में जीत के साथ ही गुजरात की टीम अब प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए आईपीएल 2023 के प्लेऑफ के दरवाजे यहां से बंद कर दिए हैं। दोस्तों बताते हैं आपको गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस मुकाबले की हाइलाइट्स, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आईपीएल 2023 के 65वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर गुजरात की टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, तो भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की शुरुआत विकेट के साथ में कर डाली। रिद्धिमान साहा को भुवनेश्वर कुमार ने बिना कोई रन बनाए पैवेलियन भेज दिया। तो इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन ने शुभमन गिल का साथ देते हुए टीम को आगे बढ़ाना चालू किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम को यहां से एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने के लिए नींव रखी। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में गुजरात की स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना 23 गेंदों में 5वां अर्धशतक पूरा करा। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 147 रनों की बेहतरीन साझेदारी जड़ डाली। इसी बीच में साई सुदर्शन 47 रन के स्कोर पर यानसेन को अपना विकेट दे बैठे। तो बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या भी इस बार कुछ नहीं कर पाए और 8 रन पर पैवेलियन लौट गए। यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राहुल तेवतिया को भी 3 रनों पर पैवेलियन भेजा। तो इसी बीच में शुभमन गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए 100 रन पूरे करके अपना आईपीएल का पहला शतक भी जमा दिया। 101 रन के स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार ने शुभमन गिल को समझ के हाथों कैच आउट कराया। तो यहां 20वें ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार ने यहां पर विकेटों की जड़ी लगा दी। एक के बाद एक 4 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात की टीम को मात्र 188 रनों पर रोक दिया। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव था कि इस मैच को जीतने के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करे, लेकिन गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने अनमोलप्रीत सिंह को 5 रन के स्कोर पर आउट करके गुजरात की टीम को पहली सफलता दिलाई। तो अभिषेक शर्मा भी इनके पीछे पीछे मात्र 5 रन बनाकर ही निकल पड़े। यहां से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर गुजरात के गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा इस तरह टूट के बरसे कि गुजरात के बल्लेबाज एक के बाद में एक विकेट गंवाकर यहां पर चले जा रहे थे। और एक समय गुजरात की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के 7 विकेट मात्र 60 रनों पर ही गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हेनरी क्लासेन ने 64 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए गुजरात की टीम के सामने कुछ बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर किसी बल्लेबाज का साथ नहीं मिलने के कारण गुजरात की टीम ने इस मैच को 34 रनों से अपने नाम कर लिया है। साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की यहां से उम्मीदें भी खत्म कर दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गुजरात की टीम इस बार आईपीएल 2023 का दूसरा खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय।